होगा अपने बच्चों को तकलीफ हो, इसलिए हमने जल्दी बुलाया। सेकेंडली आपने सोचा होगा अभी क्यों ऑर्गेनाइज किया है, जैसे हम लोग भी घर से काम कर रहे थे, हमको ऑफिस में बुलाया बहुत तकलीफ हो रहा है, वैसे ही बच्चे लोग ऑनलाइन देख रहे थे, अभी ऑफलाइन बुलाया तो उनको भी बहुत तकलीफ हो रहा है, जाना है वहाँ पे पेपर्स लिखना है, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए हमने ये रखा है। सेकेंड बात, हमने ग्रुप बनाए, ये हमारा ट्यूशन छोटा सा ट्यूशन है, मतलब नर्सरी में 10 है तो जूनियर में 5 ही है, तो आपको गेम्स में दिखेगा कि छोटे बच्चे के साथ थोड़ा बड़ा बच्चा ही भाग रहा है। अगले साल शायद, अभी हम नर्सरी ओपन करें नेक्स्ट ईयर से, तभी शायद हमारे पास नर्सरी होगा, तो सिर्फ नर्सरी का हम लोग लगाएंगे ऐसे। अब ऐसे एक है नर्सरी जूनियर और सीनियर, उनका एक ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का एक ग्रुप है, फोर्थ और फिफ्थ का एक ग्रुप है, बहुत पेरेंट्स आए हमसे बोला है क्रिकेट वाले कहना इतना, नेक्स्ट ईयर लेंगे हम लोग क्योंकि एज वाइज रहता है, सिक्स और सेवन्थ का एक ग्रुप है, तो आप हर्ट मत हो ये कि मेरा बच्चा बहुत छोटा था उसके साथ बड़ा क्यों भागा, वो दिखने में बड़ा है और वो एज में छोटा होगा पर दिखने में बड़ा है, इसलिए शायद वो ग्रुप में डाला है हमने। तो और आप लोग है ना घर पे भी ऐसा मत बोलिए उनके सामने क्या हार गया ये हो गया, हम लोग ने एंजॉयमेंट लिए रखा है, एंजॉयमेंट के साथ में क्या है मेडल रखने का जरूरत नहीं था, मगर रखा क्यों पता है क्या, जो जीत गया उसको देख के अगले बार अच्छे बच्चे भी इंटरेस्ट से भागेंगे, तो खेल को खेल के तरह लीजिए, इधर आपको लगा गलत हुआ है बाद में बताइए, बच्चों के सामने मत कुछ ये कीजिए, क्योंकि गया साल ऐसा हुआ था कि पेरेंट्स आके हमको बोल रहे बच्चों के सामने, अरे वो तो छोटा था आपने बड़े के साथ कैसे भगा दिया, मेरा बेटा जीत गया था, हमको पता है कैसा कराना है, आपको ही पता है इतने लोग को अरेंज करने कैसे है, बहुत सारे पेरेंट्स आते दूसरे के पास बोलते तो ऐकतच नहीं, हमसे कड़े एवढे ये तो ऐकणारच नाही, मतलब तुम्ही जरा आमचं ऐका, कारण हे ऐकणार नाही आमचं, तो मस्ती बहुत करेंगे हम लोग, बहुत मस्ती करेंगे, मगर टीचर ने जहाँ पे बिठाया वहीं पे बैठना है, टीचर ने बोला जिसका नाम लिया वही आगे आएगा, सब बच्चों के लिए सिर्फ एक एक ही गेम हमने रखा है, क्योंकि इतने बच्चों का गेम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो सबका एक एक गेम है, एक गेम होने के बाद आपका दिन है कि बिटा के दिखाना है, तो आप बिटा के दिखाइए या मिनिमम एक टाइम तक बैठिए ताकि मालूम है क्या इनको दूसरे गेम से पता चले, नहीं तो माझ्या मुलाचं झालं आम्ही घेऊन जातो असं करू नका, तर त्यांना दुसरे खेळ पण बघूया, एकच दिवस काढा त्यांच्यासाठी, 12 संपेल, मग जे लहान आहेत त्यांना तुम्ही 10:30-11 घेऊन जा। सेकंड, पेरेंट्सने भी एक छोटा सा गेम अरेंज किया है, मेरा नाम भी बताया शॉपिंग रेस बोल के, आपको एक्सप्लेन भी कर देता 2 मिनट में, ऐसे हम 8 बॉल रखेंगे, हम नॉर्मली डी मार्ट में बिग बाजार में जाते घर पे जाके घर पे क्या सोच के जाते 2 सामान लेंगे, मगर हम लाते पूरा भंडारा भर के, वैसा हम आज आपको शॉपिंग गेम रख रहे हैं, 10 बॉल 8 बॉल रखेंगे, आपको हाथ में उठाना है, मतलब साड़ी के इसमें ओढ़नी में भी से सिर्फ इसमें उठाना है, उठा के भागना है, और पेरेंट्स लोग के भी मेडल है हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 मेडल दिया जाएगा, बॉल उठा के साड़ी में नहीं करना है, दुपट्टा में नहीं करना है, सिर्फ ऐसे पकड़ के भागना है, बॉल जमा हो गया वापस जो फर्स्ट यहाँ पे आया वो जीत गया, ये पेरेंट्स का गेम है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आज का दिन ही आपको खेलने के लिए, शायद आप लोग आपके लिए खेलते होंगे वो बच्चों के सामने खेलने के लिए आपको भी मजा आएगा, तो कोई जाइए बराबर 10 बजे हम लोग गेम चालू करने वाले, जिसको घर जाए जाके आइए मगर 10 को आ जाइए ऑफिस, लैपटॉप पेरेंट्स के लिए ऑफिस। बस बस अभी जनगण मन लगा है, पेरेंट्स तो शांत खड़े रहेंगे, मगर हमको तो आता है ना एकदम अच्छे से, जिसको आता है उन्होंने आवाज से बोलना है, एक ही मौका मिलता है ना, बाद में 15 अगस्त और 26 जनवरी बाकी हम देखते हैं क्या नहीं करते, तो आज के दिन में एक नंबर बोलना है आवाज से, क्या मैं 2 बार प्ले करूंगा, अगर पहली बार में आवाज नहीं आया तो